शांत रहो, बातें हर बार कह चुके, जो बातें और चीज के ना मैं उसको कहने दूँ। यूजीसी गाइडलाइन देखेंगे तो वो हर यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी। हमें नहीं सुना, हमें बीसी एग्जाम करा रही है, हमें बीसी से बात करना है, बीसी सर से बात करना है, बीसी सर से बात करना है, यही यूनिवर्सिटी है, चले जाएंगे। सुनो यार, बीसी सर आप सामने बात कर रहे हैं, सर बोलते हैं, चले जाएंगे। जब वो संदेश भेजे हैं, बता दिया तो आप यही संदेश आ के बोल दें, हम कुछ नहीं, चले जाएंगे। चुप रहो यार, सर सामने ही बात कर सकते हो, बात करो, इनको बात करो, और अपनी बात का खत्म करो, उसके बाद गए हैं। आप ये काम नहीं है, हम लोग से आपका संदेश आ रहा है। अरे भाई, बात करा तू पहले, अपनी बातें है, सुनो, इनका सुनो पहले भैया, इनको अपनी बातें करना, बिल्कुल पहले बात कहने दे। मैं ये चाहता हूँ तो वो सामने आके बता देता, सामने बात कर ले, लिखित दे दे। ये बात बताई है भैया, आपसे क्यों बताया, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों को बताइए, आप मुझे आपके प्रतिनिधि कौन देने पाए, अगली बार बता के कैसे लोगों ने आपको कहेंगे, मेरे साथ ही नहीं आते, हर बार आते हैं बोलते चले जाते हैं, हर बार ऐसे आते बोल देते चले जाते, कुछ नहीं कराते। अब इनको कह दो, हम अपनी मांग करें, कोई ऐसा अपराध नहीं कर रहे हैं, अपना मांग कर रहे हैं, बस हो गया, कोई नुकसान पहुंचा रहा प्रशासन। सुन, एक मिनट सुनने दीजिए, बोलिए सर, आपकी बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी उम्र, आपकी उम्र में मैं था और डिग्री कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा था, आपकी उम्र में था, आप हमारी उम्र में पहुंचोगे, मेरे भी डिग्री कॉलेज पढ़े हैं, आप जहाँ भी शिक्षा लेने आए हैं वहाँ के जो प्राधिकारी है उनका सम्मान आपको करना पड़ेगा। सर सम्मान हम कर रहे हैं, सर सम्मान हम कर रहे हैं, सम्मान वाली बात है, सुनो मेरी बात कहने दो, सम्मान वाली बात है ना, मैं बता रहा हूँ सम्मान की, रुको भैया, रुकजा भैया, सम्मान वाली बात कह रहा हूँ, सुनो यार, एक मिनट रुक जाओ यार, किसी और को बोल दो, हमारे घर में ये बताइए, अग्रेषण मत होइए, आप सुनिए ना, बता तो दिया कि जब ऑलरेडी बता चुके हैं, उनसे मत करिए, सम्मान वाली बात करना है, अच्छा समिति हम तो की बात नहीं सुनेंगे सर, क्या चीज, हमारी सम्मान वाली बात है ना, नहीं हम सम्मान का मतलब होता है वचन का सम्मान, 15 बार धरना चाहिए, मेरी मां के बच्चा मई में भी दिए सर, मई में भी दिए, मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं, आप हमारी बात नहीं मान रहे, समाधि अच्छा नहीं है, सर आप जिम्मेदारी हम चले जाएंगे, मई में भी वचन दिए, मई में भी वचन दिए, हो जाएगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हां सर क्या मतलब है यार, मुझे पीछे से नहीं वहाँ पहुँचेंगे जहाँ लोग हम यहाँ हमने जमा किया है, हमने पैसे की बात नहीं है भैया, कैरियर कहाँ पे लगा, पैसे की कैरियर भाई कहाँ, पैसे कैरियर भैया, पैसे की बात नहीं है, कैरियर कहाँ पे लगा, नहीं पहुँचा, अपनी मांग कर रहा है बस, तो हमको अधिकार मिला है अपनी मांग पूरी करने के लिए, अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे सारे वैकेंसी देख लेंगे और हम लोग देख ही नहीं सकते, एक मिनट रुकिए भैया, हम यूनिवर्सिटी में पास हैं, हमें अधिकार है, अधिकार बोलने का अधिकार है, हक मांगने का अधिकार है, अरे आर्टिकल 19 बाकी यही बात,
बात करना चाह रही है सर, प्लीज बात करना चाह रही है आपसे। नहीं नहीं 15 तारीख में जुलाई में बात हो जाना लोग अपनी बातें बोले चाहे जो एक लोग बोले भाई आप मत बोलिए जब बोलना होगा हमारा टाइम नहीं इससे अग्रेसिव समझ के थोड़ा और रख रहे हैं यार तुमने एक बात बताया सुनी मेरी बात सुनो भाई तुम यार तुमने आवाज पहले डांस करो डांस करो इतने लोग नहीं चंदा मार के बाहर का ठीक है नहीं कर रहा गलत कर रहा चले गए सबको लेकर चले गए गाली दे रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ यार चले लेकिन आप लिखित नहीं दे रहे हैं लिखित में नहीं दे रहे हैं कि आपको जुलाई में ही किया जा करा जा सकता है हम तो मीटिंग बना दिए 2 साल की लिखित में नहीं देंगे क्यों नहीं चल रहे अपनी अपनी बात करें अपनी बात करें हम लोग पढ़ाई करते रहे हैं आज भविष्य की चिंता करते हैं कंटिन्यू कर रहा क्लियर हो गया रिटेल दे दे सही है नकली बॉडी क्यों चल रहे हैं और एडमिशन ले या लेना दे एकदम एडमिशन ले ही गए आगे सर कानपुर यूनिवर्सिटी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी अवध यूनिवर्सिटी बरेली यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी बाकी जितने यूनिवर्सिटी आज यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्सिटियाँ जुलाई में पेपर करा रही हैं। सीबीएसई यूनिवर्सिटी की 7 जुलाई से चौथे ईयर दूसरे ईयर का पेपर है 7 तारीख से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का 25 तारीख से पेपर है। इसी तरीके से जुलाई में सबका पेपर ही चार्ट है फोर्थ सेमेस्टर हम लोग का 18 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन अभी थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। थर्ड सेमेस्टर आप समझते हैं सर आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं आप भी उद्धव से थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं कराए अब ये कह रहे हैं कि हम नवंबर तक पेपर कराएं। सारी यूनिवर्सिटियाँ अगर मान लीजिए सर जुलाई में पेपर करा देती हैं मैं कहता हूँ अगस्त में रिजल्ट नहीं देंगी सितंबर में रिजल्ट दे देंगी नहीं सारी यूनिवर्सिटियाँ सितंबर में रिजल्ट दे देंगी लेकिन ये यूनिवर्सिटी हमारा नवंबर में पेपर कराएगी फोर्थ सेमेस्टर तो
बताइए मैं गलत है, मैं गलत हूँ या यूनिवर्सिटी? अब मैंने जामिया से फॉर्म डाल रखा है एमएड का, मैं कहिए तो अभी दिखाता हूँ मेरे मोबाइल में है जामिया का, मेरा पेपर थे 12 तारीख को, लेकिन मैं किस वजह से नहीं जा पा रहा हूँ देने, मैं इस वजह से देने नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी रिजल्ट ही नहीं दे पाएगी, अगर मैंने वहाँ एडमिशन भी लेना चाहा तो मैं ले ही नहीं पाऊँगा। और सब यूनिवर्सिटी टाइम पर यूनिवर्सिटी से हमारी मांग बस यही है कि हमारा अगस्त में दोनों सेमेस्टर का एग्जाम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जुलाई मेरा पेपर करा दे, मेरा अगस्त में दोनों सेमेस्टर का एग्जाम करा दे। सर सर अच्छा ये सारी यूनिवर्सिटियाँ सर कैसे करा रहे हैं सारी सर यूपी यूपी में सर यार एमए का रिजल्ट तो आ गया ना सर, मेरी बात सुन लीजिए, सारी यूनिवर्सिटियाँ नवंबर में ही एडमिशन लिया ना सर, कोई ये विशेष यूनिवर्सिटी तो नहीं थी, तो सारी यूनिवर्सिटियाँ जब जुलाई में पेपर करवा दे रही हैं तो ये यूनिवर्सिटी नवंबर में क्यों करा रही है? मेरा सिर्फ आपसे यही इतना प्रश्न है, आप मेरी जवाब दे लीजिए। इस कारण से ये हो रहा है नहीं करेंगे, ठीक है सर, ये बात करने के लिए नहीं, एक मिनट, एक मिनट, किसी से आप क्या बात है।